मम्मी जी ना नींद की दवा लेके सो रही है, तो अभी कोई टेंशन नहीं है। तो फिर देर किस बात की, चलो रातें रंगीन करते हैं। चलो चल। शिखा, मजा आया ना? बहुत मजा आया दीदी, घर पे बुलाने का आइडिया आपका जो था। कैसा रहा मेरा प्लान? बहुत अच्छा। अच्छा तो अभी हम लोग चलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है? इतनी रात गए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी जी, वो जब से मैं कनाडा से आई हूँ ना, तो मेरे स्टमक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे सारी रात भर नींद नहीं आती है। तो मैं ना शिखा को लेके लॉन में घूमने गई थी, अभी हम लोग आए हैं। हमारे घर में कोई आदमी आता जाता नहीं है, फिर ये मर्द का रुमाल यहाँ कैसे है? किसका है ये? अरे मम्मी जी, ये रुमाल तो हमारा ही है। वो क्या है ना, जब से प्रवचन सुन के आई हूँ तब से सर्दी हो गई है, और मेरे ही हाथ से गिर गया होगा मेरा ये। लेकिन मम्मी जी, इस टाइम पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? दरअसल बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं नींद की दवाई खाना भूल गई, तो आँख खुल गई। दवाई लेने के लिए मैं यहाँ पानी लेने आई थी, तो तुम दोनों को यहाँ देखा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप रूम में जाके आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। मम्मी, गजब हो गया मम्मी, गजब हो गया। क्या हुआ शालू, इतनी भागती हो क्यों आई? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ, कुछ ठीक नहीं है। आपकी वो दो लाडली बहुएं इस खानदान का मुंह काला कर रही हैं। क्या हुआ? आज मैंने शिखा भाभी और अनामिका भाभी को मॉल में दो पराए मर्दों के साथ देखा, और वो दोनों उन दोनों से ऐसे चिपक रही थी जैसे जैसे कि क्या? जैसे कि उनका चक्कर चल रहा हो माँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। माँ क्या बोल रही है? माँ मैं जानती हूँ आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, पर आपकी कसम माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। क्या हुआ मम्मी जी, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम दोनों मॉल में किसके साथ घूम रहे थे? ये आप क्या पूछ रही है मम्मी जी? मैं और अनामिका दीदी तो शॉपिंग करने गए थे, और फिर झूठ मत बोलिए शिखा भाभी। मैंने आप दोनों को मॉल में उन दो पराए मर्दों के साथ देखा है।
मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ चल रहा है इस घर में और मुझे पता भी नहीं। क्या रिश्ता है तुम लोगों का उन मर्दों के साथ, बोलो। बॉयफ्रेंड, हम दोनों के बॉयफ्रेंड है वो। विवेक नाम है उसका, उसको मैं कई सालों से जानती हूँ। विवेक के पास जॉब नहीं थी तो मेरे माँ बाप ने आपके बेटे से मेरी शादी कर दी, और शादी करने के बाद भी आज भी हमारा प्यार चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। अपने प्यार के लिए मैं राजीव से लड़ झगड़ कर कनाडा से यहाँ आई हूँ। मोहित मेरा बॉयफ्रेंड, हम काफी टाइम से एक रिलेशनशिप में हैं और ये बात आपके बेटे विनोद को भी पता है। क्या हुआ मम्मी जी? वो क्या है ना, शादी के बाद मुझे पता चला कि आपका बेटा शारीरिक रूप से कमजोर है। चौंकिए मत मम्मी जी, जब आपके बेटे में इतनी ही कमी थी तो आपने मेरी उससे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? वो तो अच्छा हुआ मोहित मेरी जिंदगी में आया, वैसे विनोद का ही दोस्त है वो। जब से मेरी जिंदगी में आया है ना, खुशियों से भर दिया है। और हाँ, ये बात जब आपके बेटे को पता चली ना, वो मुंह छुपाकर यहां से कनाडा भाग गया अपने बड़े भाई के पास। देखो तुम दोनों ना मेरी इस घर की इज्जत हो, अगर तुम लोगों ने ये सब करना नहीं छोड़ा ना तो अच्छा नहीं होगा, भूल देती हूँ। मम्मी जी आप ना मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपने हम दोनों को रोकने की कोशिश की और हम दोनों के बारे में अगर किसी को भी बताया ना, तो हम दोनों ना आपके परिवार को बदनाम कर देंगे और आपके घर की जो ये इज्जत है ना, ये सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी, समझ गया? और हाँ, आप भी कान खोल कर सुन लीजिए शारू दीदी, अगर आज के बाद आपने जासूसी करने की कोशिश की तो मैं आपके ससुराल में फोन करके बोल दूंगी कैसे यहाँ पे आप आके अपने ससुराल और पति के बारे में बुराई करती हैं। हमारा छोड़िए, आपका घर पहले टूट जाएगा। माँ मैं चलती हूँ। बेटा जो कुछ भी छोटी बहू और बड़ी बहू ने कहा है उसके बारे में हमें विनोद और राजू से बात करनी होगी, नहीं तो ये घर टूट जाएगा, हम बर्बाद ही जाएंगे। राजू बेटा मुझे तुम्हें और विनोद से एक जरूरी बात करनी है। बेटा मैं बाद में बात करती हूँ। कौन हो आप लोग? फ्रेंड है, आई मीन बॉयफ्रेंड है। नमस्ते आंटी जी। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ यहाँ से, निकलो, जाओ। शांत हो जाइए मम्मी जी, जब आपको सच्चाई पता चली गई है फिर छुप छुप कर क्यों मिलना? अब तो इन दोनों का आना जाना लगा रहेगा। चलिए मम्मी जी, सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। अब हमारी खुशी में आप भी खुश रहिए और अब इसी में आपकी भी भलाई है। देखो तुम लोग ना ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये सब पाप है।
और ये पाप मैं इस घर में होने नहीं दूंगी, समझी? क्राइम वर्ल्ड सिर्फ शेमारू टीवी पर।